For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. ये है स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ मेहरा का मेहरा पैलेस और ये उनके इकलौते सुपुत्र अमित कैलाशनाथ मेहरा, मेहरा पैलेस का इकलौता वारिस। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि बचपन में ही इसके सर से माँ बाप का साया उठ गया और ये बेचारा सगे संबंधियों की देखरेख में पल रहा है। बापू, माँ को तो नहीं देखा, आंख खुली आपको सामने पाया। बापू, आज कई दिन आप मुझे चाचा चाची के पास छोड़ गए थे, मुझे आपकी बहुत याद आती है बापू, मुझे आपकी बहुत याद आती है बापू। अरे और बाप के पोत, जब देखो तब बाप की फोटो के सामने बड़बड़ाता रहता है जैसे कि तेरे बाप की नहीं कृष्ण भगवान की फोटो हो। चाची, आज बापू की बरसी है, आज कई दिन उनका ध्यान हुआ था। अरे मर गए मरने वाले, मैं बरसी बरसी में नहीं मानती। पस्तौन कान खोल के दीनू बाजार जा रहा है, उसके साथ बाजार जा और ध्यान रखना रुपए पैसे में गड़बड़ ना हो, समझा? जा, जा मैं कहती हूँ। मिसेस मेहरा, क्या कहा? मिसेस मेहरा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे मिसेस मेहरा नहीं सेठानी कहो। ये मुझसे नहीं होगा और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप सेठानी नहीं है। ये तो भला और सेठ कैलाशनाथ जी का, जिन्होंने आपके पति के नाकारा होने के बावजूद आप लोगों को गाँव से यहाँ ले आए और उनके मरते ही आप लोगों ने इस मासूम जान पे जुर्म ढाने शुरू कर दी। आप लोगों की तो अपनी कोई औलाद भी नहीं, आखिर किस लिए? जा बेटे, जाओ खेलो। तुम नहीं जानते कितना शरारती हो गया ये। देखा, इसकी तरफदारी कर रहे थे तुम। मिसेस मेहरा, आप इसकी इस हरकत को शरारत कह सकती हैं, लेकिन इसकी ये हरकत इस बात का सबूत है कि कैलाशनाथ की सारी प्रॉपर्टी का ये इकलौता वारिस है। तो हमने कब कहा कि हम मालिक हैं? जॉन, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। अरे हमारा शुक्रिया अदा करो कि सेठ जी के मरने के बाद भी तुम इस घर में सलामत हो, वरना कब के नौकरी से हाथ धो बैठते। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कैलाशनाथ जी ने मासूम अमित का केयर टेकर आपको ना बनाकर मुझे बनाया है। ठीक है ठीक है, फैक्ट्री के सारे बिल्स क्लियर हो गए? जी। कपड़ों की डिलीवरी हो गई? जी। और सारे काम हो गए मैडम। मेहरा साहब कहाँ है? जी वो उस तरफ दयालु राम जी के साथ बैठकर शतरंज खेल रहे हैं। इस बूढ़े को भी चैन नहीं है, सारा दिन शतरंज खेलता रहता है। हाँ दयालु राम, हमने अपने ऊँट को चढ़ाई तक पहुँचा दिया। मिस्टर मेहरा साहब, आदम ये मेरा ऊंट, बचाइए अपने जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। दयालु राम, मेरा घोड़ा तेरे ऊंट पर सवारी करने वाला है। ओहो, अब बस कीजिए ये शतरंज का गेम, कुछ काम वाम करेंगे कि नहीं? चलिए उठे जाइए, उस चिड़ीमर प्यादे से पूछिए उसने घर के सारे काम किए कि नहीं। ओहो मिसेस मेहरा, हमेशा रंग में भंग डालेंगी आप। देखिए जी, मुझे मिसेस मेहरा मत कहा कीजिए, मैं रुक्मणी हूँ। जीजा जी। फिर जीजा कह दिया? अच्छा एक बात बताओ, आप जॉन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मुझे पूरा भरोसा है जॉन अपना पूरा काम कर चुका होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने सारे काम कर दिए हैं मैडम। सुन लिया, मिस्टर जॉन के होते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत है साली जी। थैंक यू मेहरा साहब। चलो राम जी, चल चलो। कैसे हो गया? अरे क्या हुआ,
बड़े मालिक, अजब हो गया बड़े मालिक। आखिर हुआ क्या है मालिक? अमित को भाभी जी ने मेरे साथ बाजार भेजा था। वो मेरे साथ रोड क्रॉस कर रहा था कि अचानक मेरा हाथ छुड़ा कर न जाने कहाँ भाग गया बड़े मालिक। अरे लेकिन कहाँ गया, तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की कि नहीं? बड़े मालिक मैंने उसको बहुत ढूंढा, मैं उसके पीछे बाजार तक भागा बड़े मालिक, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे माफ कर दो बड़े मालिक। तीसरी बार बच्चा घर से भागा है। जॉन गाड़ी निकालो। आइए साहब आइए। सब आपने में बुलाया? यस यस मिस्टर जॉन, मिसेस मेरा के जाने के बाद लगता है हमारी जिंदगी का सफर भी खत्म होने वाला है। तुम तो साक्षी हो इस बात के, हमने अपने भाई के बेटे अमित को ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब अगर वो अपनी चाची के डर के मारे कहीं छुप गया है, लापता हो गया है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हाय मिस्टर जॉन, बड़ी मेहनत से हमने अमित की एक फाइल तैयार की है। इस फाइल की मदद से तुम अमित को ढूंढने की पूरी कोशिश करना। देखो अगर अमित मिल जाए तो उसकी ये दौलत, ये प्रॉपर्टीज, ये सब उसके हवाले कर देना। और अगर भगवान न करे पुनः मिले तो मैंने अपने बिल के जरिए उसकी ये दौलत, ये जायदाद एक एक ट्रस्ट के हवाले कर दी है। और करो जॉन, तुम उसे जरूर ढूंढोगे? मैं वादा करता हूं मेरा साहब, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। मेरा साहब साल हो गए अमित को ढूंढते ढूंढते, अगर इस महीने की 30 तारीख तक उसका पता न चला
तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हो जाएगी। आता हूँ भाई, आता हूँ। हेलो, मैं करमचंद। जी हाँ, मैं करमचंद, इस सोने महल का इकलौता नौकर। आप कौन? श्याम जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो हॉरर फिल्में बनाते हैं। हाँ, शूटिंग करना चाहते हैं इस महल में। आइए ना, आइए ना। करमचंद जी, किसका फोन है? जी वो राम से ब्रदर्स का, शूटिंग करना चाहते हैं इस महल में। शट अप। पेपर में इश्तेहार दे दिया? दिया। और टेलीविजन पर? दे दिया सर। तमाम चैनल और तमाम पेपर्स में इश्तेहार आ जाना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, समझे? कुछ नहीं छूटेगा। जालिम, दुश्मन जमाना। आज हमारे कॉलेज के पहले ड्रेस में हिस्सा लेकर आया हूँ। अच्छा, वहाँ पर मैं शाहरुख खान बना था। हाँ? और उसमें लोग धोखा खा गए। अच्छा? और मुझे इनाम भी मिला है माँ। अच्छा। शंभुनाथ मेहरा का ध्यान दोगे? उनके भतीजे अमित कैलाशनाथ मेहरा, वर्ल्ड कैलाशनाथ मेहरा से निवेदन है कि जहाँ कहीं भी हो फौरन हमसे संपर्क करे। माँ, ये जो अखबार में लिखा है ना, वो मैं हूँ माँ। क्या, तो ये बात आज तक तुमने मुझसे क्यों छिपाई? माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था माँ। जो प्यार मुझे तुमसे मिला, वो प्यार मुझे वहां नहीं मिला माँ। मेरा वहां जाना जरूरी है। ये खबर अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को देकर आऊं? हाँ हाँ जरूर, लेकिन ये हुलिया बदल के जाना। ठीक है माँ। जा।
पलकों में सजा ले, यार दिल से दिल मिला ले, मुझको पलकों में सजा ले, तुम से मेरी दुनिया जा, तू मेरा दिल तू मेरी जान, पूजा ये वो जगह है जहाँ सच्चे प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम पुकारते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो आवाज वापस आती है, और अगर प्यार झूठा हो तो आवाज वादियों में गुम हो जाती है। पूजा तिरान ये क्या है? ये किरण कौन है? किरण कोई नहीं। सचमुच कोई नहीं? सचमुच कोई नहीं। देखो मैं फिर पुकारता हूँ, पूजा किरण किरण। तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो ना? हाँ सचमुच। तो ये लो लिखो, अपने बदन पर खून से मेरा नाम लिखो, जैसे शाहरुख खान अपनी हर फिल्म में माशू का नाम लिखता है। ये क्या है? लिखो हा? चलो लिखो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? करता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि अपना सीना फाड़ दूँ, ये सब फिल्मों में होता है हकीकत में नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियाँ क्या होगा? हम क्या? दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मैं अमित कैलाशनाथ हूँ, मेहरा पैलेस का इकलौता अभारी, और आज तक मैंने बात किसी को नहीं बताई, तुम्हें भी नहीं बताई, और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने महल में जा रहा हूँ। मैं वहां से तुम्हें मिलने आया करूंगा, और वक्त आने पर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अमित तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरे ना? पगली। अरे शीला तुझे मालूम है मेरा राजा बेटा अमित मामूली लड़का नहीं है, मेरा पैलेस के मालिक सेठ कैलाशनाथ का बेटा है। अरे करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। अखबार नहीं पढ़ा आज का? उसमें इश्तिहार आया है, उसी के बारे में लिखा है। वो मुझे बोल रहा था वो वहां जाने वाला है। अमित अरे यार तेरी तो लॉटरी लग गई भिड़ू, लॉटरी। क्या हुआ? चल तुझे ब्यूटी पार्लर लेकर चलता हूँ, और तेरा ये हुलिया है ना एकदम चेंज कर डालता हूँ, राजकुमार लगना चाहिए मेरा यार, राजकुमार। चल। अरे लेकिन। अरे चलना यार। सलाम अलैकुम। सलाम। ये सामान यहाँ क्यों रखा है? चार जाके गोदाम में रखो, पुलिस की रेड हुई तो रंगे हाथ पकड़वाना है क्या? आप बोल चने क्या लाया है? सोने की चेन है दादा। सोने की चेन? कहाँ से लाए? बस से, ट्रेन से, भीड़ से, या सुनसान जगह से? सुनसान से दादा। तब तो इसका आधा दाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी चोरी मुश्किल उतना दाम ज्यादा। ये दादा का वसूल है, है? जाओ अकाउंटेंट से आधा पैसा ले लो, 2500। अच्छा दादा। बोल शाने तू क्या लाया? दादा ये पॉकेट मारा है। पॉकेट? कहाँ से और किसका? पुलिस इंस्पेक्टर का दादा। शाबाश, ये हुई ना बात। साला इसको बोलते हैं मर। पॉकेट मारा वो भी पुलिस ऑफिसर का है? एक बात बोल जी, ये पॉकेट तूने सुबह को मारा या शाम को? शाम को। शाम को तो फिर भरा होगा, अगर सुबह मारता होता तो खाली मिलता। जा पूरे पैसे तू ले जा, ऐश कर जा। नहीं दादा नहीं। क्यों? आधे पैसे आप भी रख लो दादा। पुलिस वाले का पॉकेट मारा तो बहुत आसान है। हा? वो लोग समझते हैं उनका पॉकेट में कोई पहुंच नहीं सकता। ये भी बात सच है साला। जा ऐश कर जा। एक एक नग भरे इंडिया में यार। शाहरुख खान? अरे साहब आप आइए ना, आइए बैठे बैठे। अरे देख क्या रहे हो, ठंडा पिंडा लाओ, बैठे बैठे बैठे। और यहाँ कोई नहीं रुकेगा, जाओ बैठे। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? चोरी हुई क्या घर में? फिक्र मत करना, दो दिन में सारा माल वापस आ जाएगा अपन, है ना? एक बात बोलू, बाजी कर में बहुत अच्छा काम किया है। और घर में सनी देओल को भी खा दिया। साला दूसरे के बीबी के पीछे बहुत जाता है तू। दादा
ये शाहरुख खान नहीं है तो फिर ये कारमन का भी कौन है? दादा वो तो 25 लाख की लॉटरी है, ये तो 25 करोड़ की आसामी है। क्या मतलब? दादा ये वही छोकरा है जिसका है टीवी और अखबारों में आता है सेठ स्वर्गीय कैलाश नाथ का इकलौता वारिस, इसे आपके पास बेचने को लाया हूँ। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहा है? आपसे मजाक करके मरना है क्या दादा? चाह तेरा हिसाब शाम को आके लेके। अच्छा दादा। बेटे क्या ये सही बता रहा था, तू स्वर्गीय कैलाशनाथ का बेटा है? हाँ मैं तुझे अपना ताजमहल दिखाता हूँ। हाँ 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 ये है हमारा ताजमहल। ये आप मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हैं? ये क्या है? जगह पे लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा कुछ नहीं। अरे नहीं अच्छा मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। बैठ बैठ। हाँ बैठ। हाँ बैठ। हाँ बैठ। कुछ नहीं है। अरे बैठ बैठ। नहीं कुछ नहीं है। ए आज से तुझे यही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं तो फिर ठीक है मेरा कहना मान। हाँ ये ले तेरे महल पे फोन लगा और तेरे मैनेजर से बात कर। याद है तुझे वो शक्ति पिक्चर में छोटे अमिताभ ने दिलीप कुमार को फोन किया था कि मुझे बचा लो नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। वैसे ही बोल तेरे मैनेजर को ताकि मैं तेरा सौदा अच्छी रीत से अच्छे ढंग से कर सकूं। ले नहीं मुझे फोन नंबर नहीं मालूम, मैं बचपन में घर छोड़कर भागा था, वहां मुझे कोई नहीं जानता। अच्छा इसको वहां कोई जानता नहीं कोई पहचानता नहीं तो फिर इसको क्यों भेजो? इसकी जगह क्यों नहीं मेरा आदमी भेजो? हाँ यही सही रहेगा। हाँ जोशी किसी भी हालत में यह आदमी मुझे चाहिए। यस बॉस। चलो क्या माल है बाबा? आदमी भेजा? दादा एक छोटा सा हाथ मारा था लेकिन साली पुलिस पीछे पड़ गई, लेकिन अपु ने भी ऐसा चकमा दिया ना, अगर सुभाष गई देख लेता तो ये सीन कोई ना कोई पिक्चर में डाल देता। अभी तेरे को कोई छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं पड़ गई, मैं तेरे को एक बहुत बड़ा काम दे रहा हूँ, अगर इसमें कामयाब हो गया ना तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, करोड़पति बनेगा तू। करोड़पति?
क्या मजाक कर रहे दादा? तेरे को मालूम है दादा धंधे के टाइम मजाक नहीं करता। तुम तुम्हारी तरह लाचार बेबस और मजबूर, मार से बहुत डरता हूँ, इसलिए उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा बाप कितना बड़ा आदमी है और कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ है, सब कुछ बता दिया। क्या तुम भी अपना घर छोड़कर भाग आए हो? घर से कब भागा पता ही नहीं। तुम इन लोगों के हाथ कैसे लगे? मेरे पिता की सेक्रेटरी ने हफ्ता भर पहले इश्तिहार छपवाया था कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ वापस आकर उनकी करोड़ों की जायदाद अपने हाथ में ले लूं। क्या ये लोग बहुत खतरनाक है? बहुत, आदमी को बर्फ की लाठी पर लिटा देते। तुम्हें ये कैसे मालूम? अरे मुझे आप फेंकने से पहले सब कुछ बता दिया था, तभी तो मैंने कबूल किया। अच्छा, और क्या क्या देखा तुमने? मैंने एक आदमी को देखा था जिससे वो कुछ पूछ रहे थे और वो आदमी बोल ही नहीं रहा था, उसके सारे कपड़े में आग लगा दी और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे कपड़े जल गए और वो आदमी। क्या क्या तुम आग से डरते हो? हाँ। अगर ये लोग तुम्हारी कमीज में आग लगा दे तो क्या तुम इन्हें सब कुछ बता दोगे? हाँ, हाँ। बताओ क्या क्या करते हो? जादू देखने का शौक है, बचपन में कभी कभी अलार्म कूद के बजाया करता था। अच्छा, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए बेवकूफ कि अमित तू नहीं, मैं हूँ। मैं हूँ अमित। अबे तू अमित नहीं, मैं हूँ अमित। पांड्या पांड्या, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ये मेरे कपड़े क्यों उतार रहा है? ये पागल हो चुका है कोई है? चुप, बचाओ। पेड़ की दाहिनी तरफ एक निशान, अब तेरा खेल खत्म, अपुन का शुरू। बस 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 रुक जा। ये ले और सुन, अपुन किधर से आया है? क्या रिक्शा से आया है? किसको बोलने का नहीं, समझा ना? चल फुट। हमारी माँ कहा करती थी खिजाब लगाने से बुढ़िया जवान नहीं हो जाती। चुप रहो। मैं ये कह रहा था इतने दिन बीत गए, प्रॉपर्टी का असली दावेदार अब तक नहीं आया। अगर कोई दावेदार नहीं आया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी जाएगी। तिरकड़ा। फिर हमारा क्या होगा? बस अगले महीने की तनख्वाह। तिरकड़ा तिरकड़ा। वाह, ये क्या हुआ? बड़े सेठ साहब की वसीयत में यही लिखा है। मैं ऐसी वसीयत वसीयत को नहीं मानती हूँ। हमने बरसों मेहरा फैमिली की खिदमत की है और उसके बदले केवल एक महीने की सैलरी, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? और तुम ये उल्लू की तरह क्या देख रहे हो? रुक्मिणी, कभी कभी मुझे लगता है कि छोटे मालिक की पत्नी जिनके कारण अमित महल छोड़कर भाग गया था वो मरी नहीं जिंदा है। क्या बकते हो, वो तो छोटे मालिक से पहले मरी थी ना। उसकी रूह तुम्हारे अंदर आ गई रुक्मिणी। ये अलार्म किसने बजाया? राजकुमार आ गए। अमित बाबू आ गए। अलार्म तुमने बजाया ना? हाँ। शक्ल जानी पहचानी लगती है, कहीं देखा है, बहुत बार देखा है। हाँ, रॉकी से बना साजन और साजन से बना हल्लाया। संजू बाबा किधर, कैसे शूटिंग के लिए आए ना? अबे मैं संजू अंजू नहीं, मैं अमित हूँ अमित। आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं संजू बाबा, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। कौन सी फिल्म की शूटिंग के लिए आए? तेरे को बोला ना मैं संजू नहीं अमित हूँ अमित, समझा ना? यहाँ तुम जो भी हो लेकिन सच कहता हूँ, अगर कोई अंधा भी तुम्हें देख लेना तो कंफ्यूज हो जाए। वही चाल, वही बाल, वही सूरत, और अगर मेरा दोस्त शाहबाज भी तुम्हें देख ले तो बिना डेट लिए फिल्म बना डाले, सच कहता हूँ। अबे फिल्मी कीड़े करमचंद, तेरे कीड़े नहीं गए क्या? हाँ? और जासूसी करने का शौक छोड़ दिया क्या? हाँ? या अभी भी करता है? और नॉवेल तो पढ़ता होगा ना?
बचपन में तुझको चड्डी पहनकर जासूसी करते देखा था, याद है ना? याद है। और सुन बे, मैं संजीवन जो नहीं, अमित तो अमित, अमित इस महल का असली वारिस। अमित बाबू, अब बता जॉन अंकल किधर है? अंदर है। और मामा? मामा है। और मामी? मामी अभी तक जिंदा है। मामी मामी ये देखो कौन आया है, अमित बाबू जिनका हमें परसों से इंतजार था। अब मामी मैं अभी आया। हमारी माता जी कहा करती थी कि बेटा हाथी की अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी मत खड़ा होना, वरना वो दुर्गति होगी जो 30 साल से हमारी हो रही है। क्यों जी? जॉन साहब इंटरव्यू ले लीजिए, बालक खड़ा है। हाँ तो अमित साहब, ये बताइए कि आप किस उम्र में घर छोड़कर गए थे? जिस दिन एहसास हुआ कि जालिम का जुल्म सहकर भी खामोश रहना एक जुल्म है। आप अपनी चाची को तो जानते ही होंगे। जॉन अंकल, ये चाची नहीं रुक्मणी मामी है। अरे चाची तो कब की गुजर चुकी है। अच्छा एक बात बताइए जी, आप किस स्कूल में पढ़ते थे? सेंट जोसेफ हाई स्कूल। आपके पिताजी का नाम? कैलाशनाथ। और आपकी माता श्री का? शीला देवी। और हमारा नाम? दयालु अंकल। अच्छा आपने बेल का इस्तेमाल ना करते हुए अलार्म का इस्तेमाल क्यों किया? अलार्म बजाना मेरी बचपन की आदत है। और बचपन में सबसे बड़ा शौक? जादू देखना। अमित साहब, आप जरा अपने कपड़े उतारेंगे? क्या मतलब? गुस्ताखी माफ, मैं जरा आपकी पीठ पर खानदानी निशान देखना चाहता हूँ। हो गया ना इंटरव्यू, अब निकाल तिजोरी की चाबी, इस महल के कागजात, डॉक्यूमेंट, पैसे, बैंक बैलेंस, चेकबुक और वकील को जल्दी बुला, चल जल्दी। इत्मीनान से बरखुरदार, इत्मीनान से। क्यों? इतनी जल्दी मत करो, इन सब का फैसला अगले महीने की 30 तारीख को होगा। साले सब खड़ू से। करमचंद। सरकार। तब तक के लिए इन्हें कमरे में ले जाओ। जो हुक्म मेरे आका, आका। गुलाम बस। चलिए साथ साथ। चल आइए आइए आइए, मैं आपको इस राजमहल के दर्शन करा दूं। अबे महल में पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, खेला कूदा हूँ, समझाना मुझे मत सिखा। इतना बता यहाँ नौकरानी है कि नहीं? नौकरानी? अबे कामवाली भाई, भाई भाई कामवाली भाई है ना? बहुत है बहुत है। कहाँ है मगर, दिख नहीं देख भी यार। अब इतना बड़ा महल है तो किसी ना किसी कोने में लगी होंगी। नहीं मेरा मतलब है सफाई कर रही होंगी। हाँ, हाथ की सफाई? हाँ, नहीं ये वाली नहीं। हाँ, रणधीर कपूर की देखी आपने? आइए आइए। आपको मालूम है इस महल को देखकर अनिल कपूर और संजय कपूर के भाई बोनी कपूर ने अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का सेट लगाया था। अबे फिल्म में कीड़े, सेट वेट बंद कर, पहले बता भाई किधर है भाई। सरकार पहले बेडरूम तो देख लीजिए। आइए आइए। और ये रहा आपका बेडरूम। फिल्म पाकिजा में कमाल साहब ने मीना कुमारी के लिए ऐसा ही बेडरूम बनाया था। लेट जाइए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो स्पॉट बॉय को बुला लीजिए। नहीं मेरा मतलब है कि मुझे बुला लीजिए। जी भाई, कामवाली भाई भाई। ठीक है, एक मिनट सरकार, एक बात बताएंगे। बोल। कौन किसके घर गया था? नहीं, कामवाली भाई अभी आई। कामवाली भाई
इतनी बुरी हो जो तुमने पर्दा खींच लिया? मालूम है आप इस महल के मालिक हैं, अमित बाबू नाम है आपका। बाय द वे मुझे संगीता कहते। हेलो। वैसे डांस अच्छा कर लेते हो तुम। अजी डांस क्या कर रहा था, वो तो ऐसे थोड़ा थिरक रहा था। थिरक भी अच्छा लेते हो। अच्छा एक बात तो बताओ, अब घर छोड़कर फिर तो नहीं जाओगे ना? ऐसा पक्का इरादा तो नहीं है। मतलब इरादा है। अमित तुमने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? वो तो तुमने खुद ही बता दिया कि तुम संगीता हो। मैंने अपना नाम बताया है। मेरे सवाल का मतलब ये था कि मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ, किसकी बेटी हूँ और इस घर से मेरा क्या रिश्ता है? इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है संगीता? मेरा इस घर से नहीं, इस घर वालों से रिश्ता है। अमित तुम्हें याद है बचपन में तुम मुझे घरौंदा बना कर देते थे और फिर कहते थे संगीता इसमें एक घर तुम्हारा है और एक घर मेरा, और फिर एक बड़ी सी पानी की लहर आती थी और हमारे घरों को बहा कर ले जाती थी। ओ, तो तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ अमित, तुम्हारे आने का इंतजार जितना अंकल को था उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारा इंतजार था। ठीक है वो बचपन का प्यार था, लेकिन जवानी में ये कहना कि मुझे तुमसे प्यार है एक खिलवाड़ सा लगता है, लेकिन ये सच है अमित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रियली अमित आई लव यू। Oh,
हमेशा से ही आपको सुनता आया हूँ बस। अगर ये लड़का अमित है तो हमें खुदकुशी करनी होगी। ये आपने अपने बारे में ठीक सोचा है। मैंने सोचा कि जैसे हमारा अमित मासूम था वैसे ही ये लड़का भी मासूम होगा, तो मैं इसे बेवकूफ बनाकर कुछ रुपए ऐंठ लूंगी, मगर ये तो बहुत चंट निकला। अब शायद मुझे ही कुछ करना होगा। ओहो, चैन से जीने भी नहीं देते ये अमित बाबू, बहुत तंग करते हैं, बचपन की आदत गई नहीं। अब देखो अलार्म बजाते रहते हैं। भाई ये तो कोई और है। किरण ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? वो उसके जैसा, तू उसके जैसा। क्या मतलब ये कि दीवाना ने दिखाया ऐसा चमत्कार के राजू जेंटलमैन बन गया बाजीगर कभी हां कभी ना के चक्कर में, लेकिन उसे डर था कि उसका अंजाम क्या होगा। यार एक बात बता शाहरुख, तू काम में क्यों अटकता है? कि क्या किरण नहीं बोल सकता? सुधर जा शाहरुख। ए मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं अमित हूँ। अमित अमित एक और अमित। आइए अमित जी, अगर तुम अमित हो तो वो कौन है? हैं? और वो अमित है तो तुम कौन हो? दोनों अमित तो हो नहीं सकते ना। इतनी कंफ्यूज स्टोरी वाली फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। अब तुम मुझे भी जानते होगे, करमचंद नाम है मेरा, जानते हो ना। और ये है संगीता, जिनको तुम बचपन से जानते हो, लुका छिपी खेली इनके साथ तुमने। आओ इधर आइए, इससे मिलिए। ये है काम वाली बाई, जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। बाई चाहिए ना तुम्हें? अब तुम पूछोगे मामा जी कहाँ हैं, वो भी हैं। अंकल जी लेटे हुए हैं। और ये है मामी। मामी ये देखो एक और अमित, हमने तो एक अमित की कामना की थी, दूसरा भी आ गया, संभालो इसको। तो आपका कहना है कि इस हवेली के असली हकदार आप हैं? जी। आप अपना नाम बताएंगे? हमें इस कलाशनाथ कहते हैं, अपने बाप के किरण। करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस हूं मैं। आइए मैं आपको अपना महल दिखाता हूं, और यह है दरबार हॉल। चलिए आइए आइए। ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम, और वो है रीडिंग रूम। चलिए। और ये रहा आपका कमरा जॉन अंकल। आइए। और ये है मामा जी आपका कमरा। आइए आइए आइए। और ये है मामी जी का कमरा, वो रहा संगीता का कमरा, और वो है मेरा कमरा है। और जादू का शौक है, और ये पेट पे निशान है, देखना चाहते हो? और कुछ पूछना चाहते हो या जाओ अपने कमरे में? करमचंद। मेरे हुजूर। इन्हें इनका कमरा दिखाओ, क्योंकि जब तक फैसला नहीं हो जाता आप अपने कमरे में नहीं जा सकते। आइए आइए इधर चलिए।
तो कितने बजे भेज दूं? क्या मतलब? भाई 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 मेरा मतलब है काम वाली भाई। क्या मेरा रूम गंदा है? नहीं नहीं नहीं, रूम बिल्कुल साफ है, कचरे का एक तिनका भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काम वाली भाई चाहिए ना? मुझे कोई भाई भाई नहीं चाहिए करमचंद। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा शायद आपको भी काम वाली भाई की। ये रहा आपका कमरा नंबर 2। कमाल है यार, नंबर 1 को तो सिर्फ भाई चाहिए और इसको कोई भाई नहीं चाहिए। ओह इसकी भाई कहीं और होगी भाई, निकल ले भाई। इस पैलेस का मैं मालिक बन गया, अब तो मैं करोड़पति बन गया हूँ। करोड़पति बन गया? हाँ क्या कर रहा है? चल उठ। अबे उठ बे, बनना था तुझे करोड़पति, हाँ करोड़पति बनेगा। अबे चुप बे, ले ये 1 करोड़, ले ये 2 करोड़, ले ले। अबे करोड़पति बनेगा, बना था। अबे चुप बे, चुप बे, चुप। हे जी जी, क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं अंकल, हम टीवी देख रहे थे। आज तो बच गया बेटा। हाँ हेलो दादा। अरे मैं बाबा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बाबा। अरे पहले बोल अमित किधर है? क्या बकवास करता है यार, आज तक मेरे चुंगल से कोई भागा नहीं। अरे वो इधर पहुंचे दादा। एक मिनट ठहर। एक कुंदो जा देख, वो अमित को लेके आ। एक बार आदमी शकुनी मामा के चक्रव्यूह से भाग सकता है, लेकिन दादा के चैम्बर से नहीं, समझे? दादा अमित भाग गया। क्या? अरे क्या हुआ दादा? बाबा तू सच बोल रहा है? तू एक काम कर, तू उससे दोस्ती कर और कैसे भी करके उसको महल के बाहर ला, तब तक मैं मेरे आदमी भेजता हूं। जो हुकुम। ड्यूटी पे तू था ना? तू था ना? फिर वो भाग कैसे गया? दादा मेरे से गलती हो गई, मैंने उसे शाहरुख खान समझ के छोड़ दिया। चौथ को भाई। लड़की इसको शायद करमचंद ने भेजा होगा। हेलो तेरे को करमचंद ने भेजा है क्या? हाँ। मुझे अमीर लड़कियों से ज्यादा नौकरानियां पसंद है। क्या तू भी यहाँ नौकरानी है? हाँ। कितनी पगार होगी? 1000, 1200, 1500? 30 तारीख तक वेट कर मेरी जान, तेरी पगार बढ़ा दूंगा। ना कोई फोन ना कोई खबर, बोलो। पूजा, शानू ने मुझे बाबर और बमवाले के हाथों भेज दिया था। मैं वहां से अपनी जान बचाकर आया हूँ, मैं महल पे जा रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं तुमसे खुद कांटेक्ट करूंगा। बाय पूजा, बाय। थोड़ा आगे आगे आगे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। ये नाम क्या है? गंगूबाई। गंगूबाई। फिगर कितना है गंगूबाई? फिगर फिगर क्या को? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो क्या है गंगूबाई कि आजकल हिंदुस्तान में नौकरानियों का खूबसूरत होना बहुत जरूरी हो गया है। क्या काम आता हो या ना आता हो, लेकिन फिगर अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। इसके पहले कहाँ काम किया गंगूबाई? किया था एक सेठ के पास। क्यों छोड़ दिया वहाँ से? वो सेठ तो काम के अलावा कुछ और भी मांगता था। और तुमने मना कर दिया? हाँ। वो तो यहाँ भी होगा। हाँ मेरा मतलब है, जाओ 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 जाओ, ये तो बहुत तड़क फरमा है। नेक्स्ट। हाँ इधर देखिए।
है, इसमें कुछ है। नाम? नाम में क्या रखा है जानी? काम देखो काम। गुड 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 गुड। हर चीज में गुड हूँ जानी। हर चीज में मतलब? अच्छा तुमको वो डांस आता है? डांस? अरे वाह, ये तो पुरानी डांसर है। क्या हो रहा है करमचंद? डांस हो रहा है। अब मामी मामी वही वही जो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। फोटो सेशन, इंटरव्यू लड़कियों का, नौकरानियों का, स्क्रीन टेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे राजकुमार को अपने लिए पर्सनल नौकरानी चाहिए, जिसे काम आता हो या ना आता हो, लेकिन डांस जरूर आता हो। डांस बेबी डांस डांस डांस। क्या? लाइक दिस। जाग रही थी क्या? आप ही का इंतजार कर रही थी। सच? तुम यहाँ की नौकरानी हो? एक मिनट। क्या हुआ? इतनी जल्दी भी क्या है हुजूर? आप अपने बेडरूम में चलिए, हम वहीं आते हैं।
तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? अपुन क्या करता है, कहाँ से आया है और क्या चाहता है? अपुन कहाँ से आया है? हर याद आया, अपुन फुटपाथ पे से आया है। हाँ। इस स्मेल को चाहता है और इस स्मेल के माल को। पर जानी, ये सब तो तुम्हारा ही है ना? ये अपना नियर रानी, ये तो कैलाश नाथ का है, सेठ कैलाश नाथ। पर तुम तो उनके असली बेटे हो ना, तो ये सब तुम्हारा ही हुआ। बेटा, ढोंगी बेटा कहो, ढोंगी, अरे असली तो कोई और है। अच्छा, तो तुम उनके असली बेटे नहीं हो? नहीं, असली तो कोई और है। अपुन फुटपाथ पे से आया है, इस स्मेल को चाहता है और इस स्मेल के माल को। पर जानी, ये सब तो तुम्हारा ही है ना? ये अपना नियर रानी, ये तो कैलाश नाथ का है, सेठ कैलाश नाथ। अब तेरा खेल खत्म हो गया बहरूपिये। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे जॉन अंकल, हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आवाज मेरी नहीं है। अरे मेरी आवाज की नकल की गई है और ऐसी नकल तो बंबई में कई लोग 1000-2000 में निकालते हैं। अरे मैं कई फिल्मी सितारों की आवाजें निकालता हूँ, सुनना है? सुनो, परेश रावल की पक साला। बौखला गई ना तू? अरे मामे, दुनिया बहुत उलट पलट पलट उलट, सारा पॉलिटिक्स वालों खेला, तू मुझ पे शक करती है? मैं हूँ यहाँ का असली हकदार, अमित कैलाश नाथ, समझी ना पट साला। अब सुनो नाना, मामी जी आप पागल हो चुके हैं, दौलत के हवस ने आपको अंदर कर दिया, सोचने की शक्ति नहीं रही आपके अंदर, मुझ पे शक करिए आप, वो तो आपसे रिश्ते ने हाथ बंद कर दिया, उन्हें गलत डालता मैं, कौन हूँ मैं? अमित कैलाश नाथ, यहाँ का असली बारिश, कोई आंडू पांडू नहीं, जय महाराष्ट्र। चलो, अब तेरी आवाज सुना चाहता है तो सुन तेरी आवाज भी। हाँ, अरे देखिए जॉन अंकल कैसा परेशान कर रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटा हूँ, गरीब खानदान से आया हूँ मैं। हाँ, मैं यहाँ का असली वाली सुकौन, अमित कैलाश नाथ, समझे आप? हाँ, ये तेरी थी, क्यों जॉन अंकल आपके भी निकाल सकता हूँ। अबे शाने, बाल बाल बच गया है, बाल बाल बचा है तू, वो तो अच्छा है कि आवाज निकलने की हुनर आती थी, वरना बेटा भी जेल में चक्की पीस रहा होता, समझा ना? अबे सुधर बे सुधर, मरेगा, समझा? ये काम वाले भाइयों का चक्कर छोड़, समझा? सुधर बाबा सुधर। दुनिया सच माने तो माने, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम झूठे और फ्रॉड हो। कल तुमने काम वाली बाई रेनू के साथ जरूर समन किए होंगे। संगीता, मत छो मुझे, मैं उस मर्द को अपने करीब नहीं चाहती जो रिश्तों की अहमियत को न समझकर औरत को सिर्फ बिस्तर की जीरत समझता हो। अरे संगीता, मेरा यकीन करो, वो सब झूठ है। झूठ वो नहीं, झूठ ये है जो तुम मुझसे कह रहे हो, तुमने मुझे भी धोखा दिया है। संगीता, अगर तुम कल की बात को सच मान रही हो तो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, चाहे जो सजा दे दो। ये बाबा, ये छोकरी तो अपन से मोहब्बत करने लगी है। ए अमित, क्या है? हे इजी मैन, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया, कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम वाकई में वो नहीं हो जिससे मैं मिला था। और कुछ? मैं रात की बात पर शर्मिंदा हूँ यार, मुझे माफ कर दे। ओके ओके ओके, चल मूड बनाते। तू कब से फुटबॉल खेलने लगा? हाँ, अरे ये तो मेरा फेवरेट गेम है। कहाँ जा रहा है? चल ना अंदर चलते हैं। अरे छोड़ना यार, मूड बनाते बाहर, चल। ओके, क्या तूने कभी फुटबॉल खेला है? बहुत खेला यार, लेकिन बरसात में, वो भी कीचड़ में फुटबॉल खेलने का मजा ही अलग है। तू कभी खेला है क्या?
अरे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, जरा जरा पकड़ ना। जो दिख रहा है ना वही अमित है, उठा दो साले को। कहाँ रहे तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आया अरे साला जी, यहाँ क्या मेरे आदमी? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, तू किधर गया था? अरे तू ये करने गया था, मैं भी ये करने गया था। हेलो। हाँ दादा। अरे मैं बाबा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बाबा बोल। अरे वो अमित किधर है? अरे इधर ही है साला, तेरी वजह से इस कमरे में बंद हूँ, तेरे लिए मैंने ये ऑफिस बनाया, बार बार भागता है। मतलब वो असली है? 100% एक बूंद भी पानी की मिलावट नहीं है। अरे तो फिर साला महल में कौन है? साला महल में कोई है क्या? हाँ एक मिनट ठहर, होल्ड ऑन कर। ए, तेरा कोई भाई वही है क्या? नहीं नहीं। एक बात बता, तेरे बाप ने कोई दूसरी शादी वादी की थी क्या? नहीं, एक ही की थी, उसका ही बेटा हूँ मैं। अब उनको आगे का सब कुछ मालूम है? तू सिर्फ पिचू का बता, पिचू का। ए बाबा, मेरे ख्याल से वो डुप्लीकेट है। ए भगवान, फिर आला राम, कहीं ये तीसरा राजकुमार तो नहीं आ गया? दो दो जग्गू दादा, जैकी श्रॉफ। वेलकम वेलकम। संजू बाबा और शाहरुख खान भी ऊपर बैठे हैं। अब मैं समझ गया, आप लोग जरूर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए। ऐसी सिचुएशन फिल्म वारिस में भी थी, एक जायदाद तीन हकदार। जग्गू दादा एक बीड़ी पिलाइए ना। दिमाग के ताई मत कर, करमचंदी है ना तू? लेकिन मैं जैकी शराब लाया हूँ, समझा करमचंद? मैं दौलत का इकलौता वारिस अमित कैलाशनाथ, समझा तू? मामी, अरे मामी जल्दी आइए। अबे चुप बे। यहाँ ये तीसरा हकदार भी आ गया। एक बात बताइए, कौन किसके घर गया था? क्या बोला तू? मामी मामी जल्दी आइए, मामी मामी ये देखिए, ये भी अपने आप को अमित बोलता है, तीसरा हकदार। अब हमारे पास तीन तीन मोती हैं, तीन तीन मोती। जॉन अंकल ये देखिए तीसरा कौन? आप मिस्टर? अमित कैलाशनाथ नाम है मेरा। जॉन अंकल लगता आपने मुझे पहचाना नहीं। हेलो दयालु अंकल। हेलो रुक्मणी आंटी। तो संगीता ही है ना, बहुत बड़ी हो गई हो। रुक्मणी आंटी, आज भी आप दयालु अंकल को पीटती हैं या नहीं? और हाँ, आप लोगों को तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि मुझे जादू पसंद है और आंखें डरता हूँ। और अंकल, आज भी आपका फिक्स टाइम होगा, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना। रियली अंकल, मैंने अपनी लाइफ में आप जैसा टाइम का पंक्चुअल आदमी नहीं देखा। अटक अटक कर बोलना और नाखून काटना, ये आते बुला चुका हूँ, बुला चुका हूँ। और कुछ पूछना चाहते हैं जॉन अंकल? गुस्ताखी माफ, आप जरा अपना फोटो उतारेंगे? क्यों नहीं। Thank you.
मौजूद है? एक लाख तीन दिमाग। करमचंद सर, इन्हें इनका कमरा दिखाओ। जी आइए दादा। दिमाग के दही मत कर करमचंद। करमचंद दिमाग के दही मत कर। अरे दादा यहाँ लोचे पे लोचा हो रहा है। क्या बात करता है यार। अरे यहाँ एक अमित तो ठीक था, अब साला दूसरा भी आ गया है। तू ठहर, मैं जरूर कुछ करता हूँ। हाँ ओके दादा। तू अपने आप को समझता है क्या? तू अपने को तोप समझता है? तोप? अरे बम्बई में 101 शाने पड़े हुए है। हेलो, क्या अभी तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो नाराज तुम उस दिन भी नहीं थे तुमसे, बस थोड़ा सा गुस्सा था। तो इतने दिन मिले क्यों नहीं? तुम ही बताओ कैसे मिलती? एक के पीछे एक उम्मीदवार चले आ रहे हैं, जब भी अलार्म बजता लगता है कोई आया है। 30 तारीख तक और न जाने कितने उम्मीदवार आएंगे, और उनमें से कौन सा असली है कौन सा नकली किसको पता। तो क्या तुम्हें मुझ पर शक है? लगता तो है कि सच है, पर 1% झूठ भी तो हो सकता है ना। अरे तेरी तो। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन तीनों में असली हकदार कौन है? क्योंकि तीनों की सारी आदतें एक जैसी है और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। जान साहब, उन तीनों में से एक तो हकदार है। वो तो मैं भी जानता हूँ दयालु राम जी, मगर वो है कौन? हकदार नंबर दो और कौन हो सकता है? ये आप कैसे कह सकती हैं? असली हकदार नंबर एक भी तो हो सकता है। वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो शहर का एक नामी गुंडा है। रुक्मणी देवी, आपने कह दिया इसलिए हम मान लें। जब बात खुलेगी तब आपकी आँख खुलेगी। और हकदार नंबर तीन? उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। तो आपके हिसाब से असली हकदार नंबर दो है, और दयालु राम जी आपके हिसाब से? मेरी तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो फिर कैसे पता लगाया जाए? करमचंद जी, जी। यहाँ जी। तुमने तो बहुत फिल्में देखी है ना जी। तुम तो फिल्मों के कीड़े हो जी। अच्छा तो ये बताओ कि इनमें से असली हकदार कौन है? मुझे मालूम था कि ये केस मेरी ही अदालत में आने वाला है। आपने 20 साल बाद देखी? हाँ देखिए। देखिए ना, देखिए। 20 साल बाद में खूनी होने का शक फिल्म के हीरो विश्वजीत पे जाता है, मदनपुरी पे जाता है, यहाँ तक कि असिस्टेंट पर जाता है। हाँ। लेकिन असली असली खूनी कौन होता मालूम? मालूम कौन होता है? मनमोहन क्रिम। तीसरी मंजिल में दर्शक दर्शक सिर्फ प्रेमनाथ को छोड़कर फिल्म के हर कलाकार को शक की नजर से देखता है। करमचंद मिनट, हर कलाकार को समझता है कि ये खूनी हो सकता है, ये खूनी हो सकता है, ये खूनी हो सकता है, लेकिन असली खूनी कौन होता मालूम? प्रेमनाथ खुद। करमचंद करमचंद। दयालु मामा, आपने तो ज्वेल थी बार बार देखी होगी, जिसमें देवानंद को यह साबित कर दिया जाता है सर से पांव तक कि यही गुनहगार है, यही गुनहगार है, यही गुनहगार है। लेकिन लेकिन क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि असली गुनहगार अशोक कुमार होता है। करमचंद 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 करमचंद। लेकिन इन सब बातों का इससे क्या मतलब है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दबाजी ना करते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, हमें कम से कम 20-25 सस्पेंस फिल्मों का वीडियो कैसे देख लेना चाहिए। असली अकदार यू सामने होगा। करमचंद तुम जाओ यहाँ से। जॉन चाचा, ये मेरी 1,45,000 तुम जाओ यहाँ से देखने का तजुर्बा है। तुम जाओ यहाँ से मैं कहता हूँ। लेकिन चाचा इसके अलावा कुछ नहीं। रुक्मणी जी आप इतनी रात गए? हाँ, अब तक सारी बाजी हमारे हाथ में है और हम सही चाल चल रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पति को भी इस बात की खबर नहीं है। लेकिन आप अपने पति को बता क्यों नहीं देती हैं? वो इस घर का नमक हलाल है और उसके बदन में भी इस घर का नमक बह रहा है। अगर मैं ये सब बातें उसे पहले ही बता देती तो हमारा प्लान यहाँ तक नहीं पहुँचता। इस प्रॉपर्टी के तुम हकदार हो, इसका फैसला तो कल ही हो जाता,
मगर मेरे बेवकूफ पति ने तुम्हें वोट नहीं दिया। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उस बुड्ढे को तो मैंने हमेशा अपनी जूती में दबा कर रखा है। देखती हूँ वो 30 तारीख को तुम्हें वोट कैसे नहीं देता। दयालु राम, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आएगी। अमित नंबर 2 मेरा लाया हुआ है और अब तुम्हें तुम्हारा वोट अमित नंबर 2 को ही देना होगा। ये नामुमकिन है रुक्मणी। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मुझे आता है दयालु राम। मैं ये सब कुछ अपनी जवान बेटी के लिए कर रही हूँ, ताकि आधी प्रॉपर्टी का मालिक अमित नंबर 2 हो जाए और आधी प्रॉपर्टी के हम। वाह रुक्मणी, और फिर हम अपनी जवान बेटी की शादी अमित नंबर 2 से करवा के सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। क्या चाल है रुक्मणी, पर भगवान से डरो रुक्मणी, ये आधार में बड़े मालिक की आत्मा को बहुत दुख पहुँचेगा रुक्मणी। अगर ये माल कोई और ले जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी दयालु। लेकिन ये लड़का तुम्हें मिला कहाँ? जब पहला हकदार आया तो मैंने समझ लिया ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए सेठ जी के एल्बम से मैंने अमित के बचपन की एक फोटो निकाली। ये फोटो देखो, ये बच्चा बड़ा होकर कैसा दिखेगा? दिखाइए। देवदास, जो दास्तान सुनाते सुनाते लीडर बन गया, दिलीप कुमार। इतना बड़ा नहीं, 24-25 साल का। ओ 24-25 साल। जी, शाहरुख खान। पाकीज़ा, मैंने इसे मारने के लिए नहीं कहा था, उठाकर लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने इसे जान से मार दिया। मैं पूछता हूँ क्यों? वीरू दादा, हमने उसे हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर ये मरा कैसे? हरामजादो, मुझे इसे 25 लाख की वसूली करनी थी, ये मेरा पाकीज़ा था और अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। पैसा किससे वसूल करूंगा? तेरे बाप से? हमने सिर्फ यही कहा कि तुम्हें वीरू दादा ने बुलाया है, ये सुनकर उसका हार्ट फेल हो गया और ये वहीं मर गया। मेरा क्या कसूर? अरे बास मार रहा, उसकी लाश को ठिकाने लगा, बच गया। पाकीज़ा, पाकीज़ा, पाकीज़ा। नेक्स्ट। कहिए आप क्या करवाएंगे? 50,000 से 5 लाख रुपया अस्पताल पहुंचाने का, 5 लाख से 20 लाख रुपया मर्डर करवाने का, 10 लाख से 50 लाख किडनैपिंग करवाने का, यानी के रैंसम, और बलात्कार का कुछ भी नहीं। कहिए आप क्या करवाएंगे? पाकीज़ा, क्या काम तुम्हारा हो जाएगा? हमारा खुद का आदमी उतर जाएगा, लेकिन माल का बंटवारा होगा 50-50। समझ गई? समझ गई? हाँ हाँ, मंजूर है। हाँ, ओरिजिनल शाहरुख खान ने मिला तो क्या हुआ, उसका डुप्लीकेट ढूंढ लेंगे। बंबई में एक डायरेक्टर है। अरे बंबई में क्या, पूरे हिंदुस्तान में एक ही डायरेक्टर है जिसका नाम है अजीत दीवानी, वो सिर्फ डुप्लीकेट के साथ फिल्म बनाता है। सर वो दाढ़ी वाला? हाँ वही दाढ़ी वाला। जाहिर बात है उसके पास शाहरुख खान का भी डुप्लीकेट होगा। एक काम करते हैं, उस साले को ही उठा लाते हैं। उठा लाओ साले को। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग सीता, गुड मॉर्निंग पापा। अरे मेरा संगीत, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। लड़का सुशील है, खूबसूरत है,
पैसे वाला भी है क्या? वो अमित है माँ? अमित नंबर दो। क्या बेटा, असली अमित तो ये ही है, बाकी तो वो दोनों डुप्लीकेट हैं। लेकिन माँ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं संगीता, हमारे फैसले तुम्हारे पिताजी भी मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी मानना होगा। पिताजी ने जिंदगी भर मुझे माँ बन के पाला है और आपने बाप, लेकिन ना तो मैंने कभी इनकी बात मानी है और ना ही मैं आपकी बात मानूंगी। संगीता, हमारी बात ना मानने का अंजाम इतना बुरा होगा शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। मैंने अपना अंजाम सोच लिया है। हाँ सोचा है? तुम जिस किसी को भी चाहती हो उसकी हैसियत हमारी हैसियत के सामने कुछ भी नहीं है। संगीता, अपना भविष्य बनाओ और सच्चे अमित को अपने प्यार की जाल में फंसाओ। आई एम सॉरी अमित। सॉरी क्यों? पहले तुम बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। माफ किया क्यों? क्यों क्यों क्यों, पहले तुम बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। अच्छा बाबा, माफ किया, लेकिन बात क्या है? दरअसल मैं तुम पर शक करती रही, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि हकदार नंबर दो नकली है और उसे महल तक लाने में मेरी माँ की साजिश थी। और मेरी माँ उससे जबरदस्ती प्यार करने को कहती है, और तो और मेरी माँ उससे मेरी शादी भी करवाना चाहती है। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अमित। Thank you.
दीवाना हम तुम दीवाने, पल भर में एक हुए दो दिल अनजाने, तुझे पहली नजर में जाने दीगर हमने पहचान लिया। सारे पुलिस अपन को ढूंढ रही है, इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है। अबे दीवार का डायलॉग मत मार, चल। अमित अपने चुंगल से भाग गया क्या? हाँ हाँ। हे दादा अब क्या होगा, जेल में साथ बैठ के टेकी पीसेंगे खंभा उखाड़ के। बाबा ये मजाक का वक्त नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। सॉरी दादा, अगर वो महल में आ गया तो? अरे बंगले के बाहर मैंने मेरे आदमी खड़े रखे है, लेकिन इस बार वो इतनी जल्दी बंगले तक नहीं पहुंचेगा। दादा मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि 30 तारीख तक ये फैसला हमारे हक में हो पाएगा। तो कल जादू का खेल है, वो दोनों जरूर आएंगे। तो तुम ये चाहती हो कि मैं उस जादू के खेल में जाकर उन दोनों का गेम कर दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, ताकि मेरी लाइन क्लियर हो जाए और मैं माला माल हो जाऊं। पापा बोल। दादा कल शहर में जादू का खेल हो रहा है। जादू का खेला? और वो साले दोनों अमित वो आएंगे। साला इस बार कोई नहीं बचेगा, इस बार कोई नहीं बचेगा। गुल मिलेंगे प्यार से, बहारे जिंदगी बनकर उन्हें कबूलता हूँ मैं, और तीन मोती में खिलेंगे जो गुल उन्हें ढूंढता हूँ मैं, और ये वही गुल है प्यारे। भाई और बहनों, अब आपकी सेवा में मैं नेक्स्ट आइटम पेश करूंगा। उसके लिए मुझे आपके कॉपरेशन की जरूरत है, सहयोग की। कोई भी नौजवान भाई जरा मेरे पास स्टेज पर आए और मुझे सहयोग दें। एनीवन ऑफ यू? आइए। भाई और बहनों, देखा आपने, मैंने एक आदमी को बुलाया था लेकिन आ गए दो, और वो भी हम शक्ल। ये मेरा ही जादू है, और अब देखेंगे मेरा दूसरा कमाल। मैं इन दोनों को एक करके दिखाऊंगा आपकी नजरों के सामने। जाइए जनाब। तो भाई और बहनों, देख लिया, ये था जादूगर निरंजन माथुर का कमाल। तो ये था मेरा आखिरी मैजिक, आप फिर मिलेंगे इसी हॉल में। धन्यवाद। कोई पीछे तो नहीं आ रहा है? अंदर चलकर देखना पड़ेगा भाई कि क्या हो रहा है।
नंबर वन से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तेरी शादी अमित नंबर दो के साथ करवाना चाहती हूँ। वक्त इतना करीब आ रहा है और तू मेरी बात। चलो चलो चल उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा। छोड़ो माँ। चल चल संगीता। मुझे नहीं जाना माँ। छोड़ो मुझे चलना ही पड़ेगा। माँ हूँ मैं तेरी। माँ मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। चल चल चुपचाप अंदर जा और जो मैं बोली हूँ वही कर। चल अमित मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरी माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। इस लड़की से पता चल सकता है कि मेरे महल में क्या हो रहा है। अब तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ संगीता, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। जी तेरा दिल।
नहीं, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं अमित, आपका अमित बोल रहा हूँ। अमित कौन? अमित कमीने, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ मजाक कर रहा? मजाक नहीं, सही में मैं अमित बोल रहा हूँ, आपका अमित। अमित तो फिर ये कौन है? अरे सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सुन, तू थोड़ी देर के बाद आना, तब तक मैं कमीने को देख लेती हूँ। ठीक है। बेटी तुम अपने कमरे में जाओ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखेबाज, मक्कार, कमीने, मैं तुझे अभी देखती हूँ। रुक्मणी क्या गजब कर दिया तुमने? रुक्मणी अरे दयालु राम जी कहाँ चले? वो सारे कारपेट धुलने चले गए थे, बस एक रह गया था, हम ले जा रहे हैं। काम करने के लिए तो दूसरे नौकर है ना, मुझे शर्म आ रही है, इसे छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, घर के काम करने में कैसे शर्म, हम ले जाएंगे। घर का काम घर के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ चलो रानी। हाँ घर का काम घर के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहाँ छुप गया है तू कठोर, तुझे चाहने वाले टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं। क्या हो रहा है? तलाश। तलाश? हाँ। किसकी? हकदार नंबर दो की, जो पिछले 36 घंटे से नाराज होकर इस वीरान महल से गायब हो गया है। करमचंद यहीं कहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। सारे जाल बिछा दिए, आखिरी मोहरा भी चल दिया, लेकिन उस राजकुमार को खोज ना पाया। चीख सुनाई दी थी जॉन साबे, षड्यंत्र रचा जा रहा है इस महल में। तुम्हारा ये फिल्मी भूत कब दूर होगा? आधी रात हो चुकी है, जाकर आराम करो और बाकी लोगों को भी आराम करने दो। जल्दी सो जाओ। एंट्री है, बिल्कुल कागज के फूल की तरह। कहिए वहीदा जी। वहीदा जी एक्सक्यूज मी, मेरा नाम पूजा है। ओ पूजा भट्ट, गुड गुड गुड। कहिए पूजा जी, आपको किससे मिलना है? अमित से। हाँ अमित से। क्या कहा तुमने? अमित से, अमित से, इनको अमित से मिलना है। कौन सा अमित से मिलना तुमको? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, बोल बोल बोल। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि यहाँ पर अमितों की सेल लगी हुई है और मुझे डर है कि 30 तारीख को अगर दुनिया के सारे अमित इकट्ठे हो गए तो अंजाम क्या होगा। क्या हो रहा है ये? कौन है ये लड़की? जी एक नन्ही मुन्नी लड़की। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, इससे मिलना है इसे। अमित से। अमित से? कौन से अमित से? सुन लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ तीनों को बुलाओ। जी ये रहा अमित नंबर एक। और ये रहा अमित नंबर दो। और ये रहा अमित नंबर तीन। अमित कहाँ चले गए थे तुम? अमित तुम यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भूल ही गए। मैंने कभी तुमसे तुम्हारी इस महल की रोशनी नहीं मांगी थी, मगर तुमने मेरे प्यार के चिराग को क्यों बुझा दिया? अमित अमित मैंने तुमसे तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं चाही थी, मगर तुमने मेरे प्यार की दौलत को क्यों ठुकरा दिया? चलो यहाँ से अमित, चलो। नहीं पूजा नहीं, तुम जाओ, जब तक ये जमीन जायदाद का फैसला नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। नहीं, नहीं। ये क्या खेल था? खेल खेलना पड़ा। क्यों?
अगर ये खेल खेलता नहीं तो सारा भांडा फूट जाता है। कैसा भांडा? वो जो लड़की थी ना, असली अमित की प्रेमिका थी। क्या? हाँ, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। करमचंद जी, 30 तारीख नजदीक आ रही है। कल तक सारे महल की साफ सफाई हो जानी चाहिए। जितने भी कारपेट है सारे धुल जाने चाहिए। ये देख रहे हो? नहीं, धूल का नामो निशान नहीं देखना चाहिए मुझे। आप चिंता ना करें, हम पर यकीन रखें, वक्त से पहले सब साफ हो जाएगा। क्या साफ हो जाएगा? गहरा दाग। क्या साफ हो जाएगा? आखिरी खत लीजिए। वैसे तो किसी का खत पढ़ना बुरी बात होती है, लेकिन ये समस्या ही ऐसी है कि हमें मजबूरन ये खत पढ़ना पड़ेगा। बेटा अमित, जिस तरह तूने पूजा को बहलाकर भेज दिया, वैसे ही मुझे भी भेज देगा। इसलिए मैं तुझे लेने आ रही हूँ, तेरी माँ शीला देवी। अगर असली अमित की माँ आएगी तो हम शक्ल होने के नाते मेरे ही अमित को पहचानेगी। ये ठीक रहेगा करमचंद, उन तीनों को जाकर कह दो कि माँ आ रही है। जो असली होगा वो रुक जाएगा और जो नकली होगा वो बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल जाएगा। जी, अब आएगा मजा। अरे दादा, माँ आ रही है। माँ आने दे। अरे अपुन की नहीं, असली अमित की आ रही है। अगर वो महल में आ गई ना तो लफड़ा हो जाएगा। अमित की माँ बंगले तक नहीं पहुंचेगी। अरे तुझे तो पता ही है, अरे तेरे बिना तो मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ। माँ, तू मेरे आने से खफा है? तू तो जानती है माँ, भगवान के पास तेरा नाम लेता हूँ। माँ मेरी प्यारी माँ, अगर तुम किरण, तुम लोग तीनों चुप रहो। तुम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि ये किसकी माँ है। आप बताइए, आपका बेटा कौन है जिसकी परवरिश आपने की थी? माँ तेरा अमित। माँ तेरा अमित मैं। अरे नहीं माँ, मैं अमित। मैं तेरा बेटा। मेरी लाड, मेरे बच्चे। अरे माँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, वरना ये लोग मुझे नोच डालते। माँ चल, तू थक गई होगी। माँ चल आराम कर। चल बेटे। माँ कैसे है? माँ तू माँ। बेटा बेटा अमित, ये सब क्या हो रहा है? माँ यहाँ और कोई माँ है? बोलती अमित की माँ हूँ। वो औरत झूठी है और वो लड़का भी झूठा है, फ्रॉड है। अरे जाजा, बड़ी आई मुझे झूठी कहने वाली काली कलूटी। जरा अपना मुँह तो आईने में देख के आ। ए, पहले अपनी शक्ल आईने में देख, तब पोरी साली। ओ मैम साहब, खबरदार जो मेरी माँ को अनाप शनाप बका। तो क्या बोला तू? फोड़ डालवा तुझे। अबे जा, तू क्या फोड़ेगा, तेरी तुम फोड़ कर बताओ तेरे को। आपको शाला समझता है? अबे जा, अबे जा, क्या कर लेगा तू? अबे जा, अबे शाले, चल नहीं है। अगर होती तो मेरे अमित को जरूर पहचानती। हेलो कमिश्नर साहब। यस स्पीकिंग। मैं रुक्मणी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बताइए क्या हुक्म है? वैसे कल आप क्या कर रहे हैं? कोई खास तो काम नहीं है। हमारे साथ नाश्ता करेंगे? यस यस, इट इज माय प्लेजर। मैं आपका इंतजार करूंगी नाश्ते पे। शुक्रिया। मेरी एक्टिंग कैसी लगी? एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन तो बाबरा वो किधर से मिल गई? अरे यार, कल अपन लोगों ने एक फ्लैट साफ किया और माल बेचने को दादा के पास गई थी, तो दादा ने बताया कि तू इधर को बुरी तरह फंसा हुआ है और तेरे को इधर से छुड़ाने का है।
और उसने अपन को छोटा मोटा ऑफर भी दिया। अपन ने भी सोचा छोटा मोटा मजदूरी करके जिंदगी बिताने से अच्छा है ये काम कर ही लिया जाए और सेटल हो जाए। अरे बाबा अपन तो तेरे को देखकर एकदम ही शौक हो गया यार। अपन तो है ही ऐसी चीज। अच्छा एक बात बता, तेरे को कोई नौकरानी वोकरानी मिली के नहीं? अरे नहीं रे, मैं तो एकदम ही तरस गया यार। अच्छा अमीर लोगों के बीच में तूने बुढ़ी देखी थी ना, वो साली खुसट? हाँ वही रे, उसकी एक छोकरी है संगीता। हाँ रे उसको तो देखा है, बड़ी चिकनी है साली। मैंने सोचा था असली माँ आ जाएगी तो दोनों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन हमारी छुट्टी हो गई। तुम्हारी तो छुट्टी हो ही नहीं सकती दियर, क्योंकि वो दोनों ही असली माँ नहीं है। अगर असली माँ होती तो क्या वो अपने बेटे को नहीं पहचानती? असली माँ तो अभी तक महल में पहुँची ही नहीं है। अब क्या होगा? अब पुलिस आएगी, दोनों ही का भांडा फूट जाएगा और दोनों ही अपना मुंह काला करेंगे। यस कमिश्नर साहब आए हैं आपसे मिलने। आप अपनी माता श्री के साथ खाने के टेबल पर पहुंच जाइए, खाना भी लग चुका है। ठीक है आप जाइए, हम पहुंचते हैं। आज कंगन को अर्सी क्यों जाइए। अभी तक आप खड़े क्यों हैं? एनी प्रॉब्लम? जी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको दिमाग की दही मत कीजिए और फौरन खाने के टेबल पर पहुंच जाइए। अब तेरा खेल खत्म हो गया है चंडाल, चल नीचे पुलिस कमिश्नर आए हैं। पुलिस कमिश्नर? नहीं नहीं अपन से गलती हो गई, अपन को जाने दो, माफ कर दो। चुड़ैल बड़ी माँ बनने आई थी ना, चल तुझे जेल में चक्की पिसवाती हूँ, चल। आइए कमिश्नर साहब। चल चंडाल चल, छोड़ो वो गलती है कि नहीं कमीनी। कमिश्नर साहब इसे अरेस्ट कर लीजिए, यही वो नकली माँ है जो हमारे महल में घुसी हुई थी, चल। अली बिल्ला तू यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती। इंस्पेक्टर यस सर, इसे अरेस्ट कर लो। विमला तू यहाँ किस मकसद से आई थी? नहीं मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो मेरी जान ले लेगा। देखो विमला अगर तुम नहीं बताओगी तो सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी। बताओ बताओ किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? बताती हूँ। बताओ। बता रही हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी संगीता, मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला है, तुम्हारे जज्बातों से खेलता रहा, मगर यकीन करो तुमसे खेलते खेलते मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैं अपनी असलियत बताने वाला था कि मुझसे पहले मेरे किस्मत ने मेरा गेम कर दिया, मगर सच ये है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुला पाऊंगा। आई लव यू। चलो सर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ सर, उस बाबूराव बॉम्बे वाले ने मुझे आप भेजा था, ये सब उसी की चाल थी सर, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। ओरिजिनल अमित उसी के पास कैद है, और जो महल में अमित है ना वो डुप्लीकेट है, नकली है, फ्रॉड है सर। ओरिजिनल अमित को बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। जाएगा तो हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। बचपन में हवाई जहाज खा लिया था क्या? जोड़ रही है चलने की जगह, जो तू कह रही है ना मैं कब से सुन रहा हूँ। प्रॉपर्टी मिले ना मिले मुझे तो ये तिजोरी खोलनी है। बता इसका नंबर क्या है? अगर मुझे नंबर पता होता तो मैं नहीं खोल लेती। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसी तिजोरियों तो मैंने पहले बहुत खोली हुई है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। पाकीज़ा
खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे इसमें क्या होगा, 25 लाख, 50 लाख, तुम जानते हो इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 50 करोड़। क्या 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 बोली क्या? 50 करोड़। अरे और शेर के नाम पे कलंक। यस बॉस। वो दूसरा वाला ना, वो काले सरीके का है, वो बचना नहीं चाहिए। अगर वो बच गया तो ये सोच ले कि तू नहीं बचेगा। चल जा पाकीजा, पाकीजा। ए बुढ़िया इधर आ। क्या है? ये जो तेरा चांद सा चेहरा है ना, और चेहरे के पीछे जो ये दिमाग है ना, और दिमाग के अंदर जो कंप्यूटर है ना, उसका रिमोट मेरे हाथ में है। प्रॉपर्टी मिले ना मिले, लेकिन ना ये सेफ तो मैं जरूर खोलूंगा पाकीज़ा। लगता है इस तिजोरी का राज इसमें है। प्यारे प्यारे भाई साहब नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। आपने ये खत खोला, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप ये जानना चाहते हैं कि तिजोरी का माल कहाँ है? हाँ! तो सुनो, हमने भगवान से ये प्रार्थना की है कि आपको वो कीड़े पड़े जिनको पहले से कीड़े पड़े हो, आपको कोढ़ हो जाए, आपको आपको एड्स हो जाए। आगे तू पढ़ना, हो जा चल भाग। Thank you.
रस्म और वसीयत के मुताबिक आज हमें फैसला सुनाना है कि असली अमित कौन है और उसे सारी जायदाद का हकदार बनाना है। इसी फैसले को सुनाने के लिए हमने वकील साहब और कमिश्नर साहब को आज यहाँ बुलाया। तो देर किस बात की है? अमित नंबर एक तो जेल की सलाखों के पीछे है, अमित नंबर दो यहाँ मौजूद है और अमित नंबर तीन कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है कमिश्नर साहब को देखकर कहीं भाग गया। इसीलिए हमें मान लेना चाहिए कि हमारा असली हकदार अमित नंबर दो ही है। हाँ तो जॉन साहब, प्रॉपर्टी के सारे कागजात कमिश्नर साहब के हाथों महल के असली वारिस को सौंप दिए जाएं। लीजिए कमिश्नर साहब और सुनाइए फैसला। इस 30 तारीख के शुभ मौके पर मैं फैसला सुनाता हूँ। इस प्रॉपर्टी का असली हकदार अमित कैलाशनाथ मैरा है। आइए अमित। तुम नहीं, वो देखिए। इसे तो मैंने मार डाला था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? क्यों, चौंक गई? शाहरुख खान डबल रोल में। राम और श्याम, सीता और गीता, हम दोनों और अब गोपी किशन। अभी तो यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंस्पेक्टर जयकिशन, यस सर। इंस्पेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे अफसरों पर नाज है। जग्गू दादा, जग्गू दादा इंस्पेक्टर, राम लखन का राम, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा। जब मैंने आपको और मामा जी को कारपेट ले जाते हुए देखा तो मुझे शक हुआ, क्योंकि इससे पहले तो आप लोगों ने कभी महल का कोई काम किया नहीं था। इसीलिए मैंने आपका पीछा किया और पीछा करते करते घाटी तक पहुंच गया, और जो ही आप लोगों ने लाश को नीचे फेंका मैंने तुरंत एंकर से उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन अमित बच कैसे गया? रुक्मणी ने तो उसे गोली मारी थी। कुछ गलत बोल गया क्या? वो मैं बताता हूं। जब हमने जयकिशन उर्फ जग्गू को यहां भेजा था तभी हमने इसे बता दिया था कि करोड़ों का मामला है, खून भी हो सकते हैं, यहां के सारे हथियारों को नाकाम कर दो। मिस्टर दयालुराम, आपकी रिवॉल्वर में वो गोलियां थी जिनसे सिर्फ जानवरों को बेहोश किया जाता है। ओ। लेकिन साहब, आपको यह खबर किसने दी कि यहां पर गोलमाल होने वाला है? कमिश्नर साहब को खबर मैंने दी, क्योंकि कमिश्नर साहब मेरे करीबी दोस्त हैं। जब दूसरा हकदार आ गया तो मुझे ताज्जुब हुआ, तब मैं जाकर कमिश्नर साहब से मिला। जॉन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, यू डोंट वरी, तीसरा हकदार पुलिस का होगा। मतलब? मतलब इंस्पेक्टर जयकिशन। जयकिशन। यस सर। कम इन। जयकिशन ने अपने कॉलेज में कई ड्रामों में पार्ट लिया है और बहुत ही अच्छा एक्टर है। जयकिशन, ये जॉन साहब हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इनके घर में तुम्हें एक कैरेक्टर करना है। कर लेंगे सर, मेरा रोल क्या होगा? इस फाइल में तमाम बातें तफसील से लिखी हुई है। वाह, क्या सस्पेंस कहानी बनाई है आपने! ऐसी कहानी तो सलीम जावेद भी आज तक नहीं लिख सके। आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? शट अप! आगे बची हुई कहानी मुश्तंडा बताएगा कि इसको यहां क्यों और किसने भेजा था, और इन दोनों अमितों में असली कौन है नकली कौन है ये बताने के लिए हम उस शख्स को लाए हैं जिसने इन दोनों को करीब से देखा है। यहां पर तिजोरी काटने की भी साजिश की गई थी। मुझे मालूम था कि यहां पर साजिशों का जाल बुना जा रहा है, इसलिए मैंने तिजोरी का सारा माल पहले से निकाल कर उस सूटकेस में रख दिया था। रुक्मणी देवी, अब आपका खेल खत्म हो गया है।
इंस्पेक्टर रुक्मणी देवी और नकली अमित को गिरफ्तार कर लो। नहीं जी कमिश्नर साहब, हमारी धर्म पत्नी को छोड़ दीजिए, ये तो बेचारी नादान है, अनजाने में गलती कर गई, हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया आपने तो। ए, हिलना नहीं, यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं चल रही है। विजय शक्ति कपूर कहानी में ट्विस्ट। कमिश्नर बंद करो ये चूहे बिल्ली का खेल। वेरी गुड वीरू दादा, ये बुढ़ा समझता है हम बेवकूफ हैं। खामोश खड़ी हुई बुढ़िया। कमिश्नर इस बुढ़िया को लंबे अरसे के लिए अंदर बंद करना। वीरू दादा क्या लोचा है? ये लोचा नहीं है, ये तो आपने पहले से अपने दिमाग में सोच रखा था। शेरू जल्दी कर तू जल्दी। वीरू दादा ये तुम गलत कर रहे हो, ये सरासर नाइंसाफी है। तुमने कौन सा इंसाफ किया अपने खानदान के साथ? इसमें से तेरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, सब मैं अकेला खाऊंगा। इतने अच्छे लड़के के साथ धोखा किया तुमने। थैंक यू। चुप्पे, मैं तेरे को बोला बोलने के लिए, जल्दी करो, चल चल। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो पाकीज़ा कर दूंगा। तू चल, तू चल, पीछे मत देख। हिलना नहीं। असली है क्या? हाँ। कौन है बे? बाबूराव बंबई वाला। बाबूराव बंबई वाला? हाँ। तू कौन है? वीरू दादा डोंगरी वाला। हाँ। पाकीज़ा मुगले आजम। पाकीज़ा मुगले आजम। पाकीज़ा। हिलना नहीं, तेरे को बोला हिलने के लिए। तू यहाँ कैसे? माल के चक्कर में। माल का है? बार जीप में। तो सोचता क्या है? आपस में समझ लेंगे, यहाँ से तो खिसके। चल चल। बहुत ही चल जल्दी कर, जल्दी कर। ये हथकड़ी खोलो इंस्पेक्टर। अरे सोच के रहो, हथकड़ी खोल दो इंस्पेक्टर। मैं वादा करता हूँ उन हरामजादों को पकड़े तुम्हारे सामने पुलिस स्टेशन नहीं लाया तो मेरा नाम बाबा नहीं। अरे सोच के रहो, खोलो इंस्पेक्टर। क्या सोच रहे हो ठाकुर? संजीव कुमार बनो, हथकड़ी खोल दो। क्या मतलब? आपने फिल्म शोले नहीं देखी क्या? देखिए, तीन बार देखिए। तो याद करो, जब इंस्पेक्टर संजीव कुमार वीरू और जय के हाथ की हथकड़ी खोलता है तो गब्बर सिंह का क्या हाल होता है? सोचो मत ठाकुर, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो, हथकड़ी खोल दे, भागो। कंट्रोल रूम, मैं पुलिस कमिश्नर करण सिंह बोल रहा हूं। यस। दिमाग से काम कर, मेरे पास एक आइडिया है। बाकी साहब ये देख आइडिया, देख आइडिया नंबर 420। Thank you.
मैं तुम सब लोगों को सस्पेंड कर दूंगा। चलो चलो जल्दी जल्दी हाँ। चलो अपने अपनी जगह संभालो। फैल जाओ पाकिजा पाकिजा फैल जाओ चारों तरफ पाकिजा। अरे रुक 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 जा। हाँ रुक साले यही कई खंडरों में होंगे देखते। चल चलो आ जाओ। सब लोग खंडहर में पहुंच गए यानी कि क्लाइमेक्स शुरू। जय वीरू। घबराना नहीं गब्बर सिंह, मैं आ रहा हूं। तू जा साथ में चलते हैं। चल चल ठीक है। तू खोल। मैं खोलता हूँ। तू खोल। मैं खोलता हूँ। तू खोल। मैं खोलता हूँ ना। नहीं खुशबू तेरा बदन खाकर या ना कर
गया बनिया, जल गया। फिरोज खान वो भी यहाँ? अरे भाग। बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, मैं आ गया। तू लड़ आया है? ये भी बोलता है हा? मरना है क्या? अरे भाग, हट, अरे हट, हट। अरे भाग ले। मोनिका, ये मैं आ गया। उनके लाखों रंग, सा रंग देखेगा तू, देख ले मेरा रंग, देख ले, देख ले। चुंगड़ा, मेरे को मारना तू, मेरे को मार। कितना पागल आदमी है साला, ये बिल्कुल समझ गया ना? सॉरी यार, तुझमें एक इब्राहिम तो बहुत ही अच्छा इंसान है। आसमां से धरती पे लाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना झुकती है। ए बाबा, बाबा, ए बाबा, तू तो अपना आदमी, मेरे को मार रहा, मेरे को मार रहा, मार रहा तू, मार रहा तू। एक और, एक और, मेरे को मारना थी, मेरे को मारना थी, मेरे को मारना थी। ठीक है, ठीक है, मेरे को मारना, मारना, मेरे को मारना, मार, मार। ए बाबा, ए बाबा, मेरे को मारना तू, 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 मेरे को नागिन। मेरे को काटना तू, मेरे को काटना तू, मेरे को काटना तू, मेरे को काटना तू, मेरे को। अबे हल, हल, ये भी हल, ये भी हल।
कमाल है। जेब में क्या है? ये क्या है? निरोध, इस मुल्क के अंदर एक बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है, वो है एड्स। इससे बचने के लिए हमेशा निरोध का इस्तेमाल करें। क्यों? किसी ने मुझे मारा नहीं, सब हड़ 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 वो हड़ ये हड़ तू हड़ मैं हड़ 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 हड़